हरता श्री गणेशा श्री गणेशा। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि तारकासुर द्वारा भेजे गए उनके पंचासुरों ने महादेव पुत्र कुमार को चारों ओर से घेर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप सभी? ये क्या, इन असुरों ने तो कुमार को बंदी बना लिया है। कौन है ये मायावी और कैसा छल है ये? मुझे तो इतने अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये कैसा अप्रिय आभास हो रहा है मुझे, जैसे मेरी श्वास ही बाधित हो रही हूँ। मेरा पुत्र अवश्य किसी संकट में है। नाथ, आज हमारा पुत्र संकट में। एक माँ की ही अंतर्दृष्टि इतनी सशक्त होती है कि दूर होकर भी उसे उसकी संतान पर आए संकट का भान हो जाता है और उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। ब्राह्मण देवता, आपके नेत्र नम क्यों हो गए? कितना अद्भुत स्नेह संबंध होता है ना, एक माता और पुत्र का। माता पार्वती की तो उनके पुत्र से भेंट तक नहीं हुई थी, किंतु जैसे ही कुमार पर संकट छाया, माता को उसका आभास हो गया। हाँ, संतान के प्रति माता का अनुपम प्रेम तो संपूर्ण प्रकृति में सबसे अनूठा है। उन पंचा असुरों ने कुमार कार्तिकेय को वहीं रखा जहां वो चाहते थे, अपने बंधन में। किंतु माता पार्वती और महादेव भी इस घटना से अनभिज्ञ नहीं थे। तब तो अवश्य महादेव का क्रोध जागृत हुआ होगा। वो चाहते तो अपनी क्रोधाग्नि से क्षण भर में पंचासुरों को भस्म कर देते, है ना ब्राह्मण देवता? तो फिर क्या किया महादेव ने? कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर महादेव पुत्र ने अपनी रक्षा कैसे की ब्राह्मण देवता? मुझे ज्ञात है पार्वती, तारकासुर के असुरों ने हमारे पुत्र को अपने बंधन में बांध लिया है। आप शीघ्र जाकर कुछ कीजिए, अन्यथा मैं स्वयं जाकर उसकी रक्षा करूंगी। कितनी बार रक्षा करेंगी आप उसकी? ये कैसा प्रश्न? माँ हूं मैं उसकी, मैं उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूं। प्रिय, यदि आप उसकी रक्षा करती रहेंगी तो स्वयं अपनी रक्षा करना कैसे सीखेगा? आप उसकी दुर्बलता नहीं उसका बल बनिए प्रिय, क्योंकि आपको भी ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना सक्षम है। तो क्या ये उचित है कि हम ऐसे ही बैठे रहें, कुछ भी ना करें, ये ज्ञात होते हुए कि हमारा पुत्र संकट में? नहीं ना, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। आप शक्ति हैं, आप जगत जननी हैं, और अब एक माँ भी। जैसे आपको ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना शक्तिशाली है, वैसे ही आपको ये ज्ञात नहीं कि एक माँ का हृदय कितना कठोर हो सकता है। ये परीक्षा है पार्वती, एक माँ की और हमारे पुत्र की। क्या हो रहा है ये, और कैसा छल है ये? कौन है तुम सब? पंचा Ha 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 ha!
मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? कितने दुख की बात है कुमार, अभी जन्म हुआ और अभी अंत होगा। मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मैं तो तुमसे परिचित भी नहीं हूं। किंतु हम परिचित हैं तुमसे, और इतना ही हमारा परिचय पर्याप्त है। हम काल हैं तुम्हारे। हमारी गुफा को भेद कर बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य से वरदान प्राप्त है हमें। पंचासुर हैं हम। हम पांचों की इस गुफा में बंदी, कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुमार को शीघ्र ही गुफा से बाहर आने का कोई उपाय ढूंढना होगा। शांत हो जाइए पार्वती, शांत हो जाइए। अपनी अधीरता का परित्याग कर अपने भीतर विश्वास जागृत कीजिए। हमारा पुत्र स्वयं उस मायावी गुफा से बाहर आकर अपनी अपार सामर्थ्य का प्रमाण देगा। कुछ तो उपाय अवश्य होगा इस गुफा से बाहर निकलने का। मुझे शीघ्रता करनी होगी। उचित है, तुम्हारा नेत्र बंद करना ही उचित है, क्योंकि अत्यंत भयंकर होती है मृत्यु, और तुम ठहरे नीरे कोमल हृदय बालक। मृत्यु दर्शन बहुत कष्टदायी होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा अंत निश्चित है कुमार, क्योंकि हम पंचासुरों को मिला वरदान निरर्थक नहीं हो सकता, और हम पंचासुर जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? पांच असुर। किंतु तुम पांच कहां हो? तुम तो चार ही हो। मूर्ख कुमार, हम पांच ही हैं। नहीं नहीं, असत्य कह रहे हो तुम। मिथ्या है तुम्हारे वचन। तुम तो चार ही हो। हम मिथ्या कह रहे हैं? क्यों कहेंगे हम मिथ्या? असत्य तो तुम कह रहे हो, और सत्य ये है कि हम चार नहीं पांच हैं। पांच। मिथ्या वचन कहने वाले असुरों का तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। मुझे ज्ञात है, मैंने गिना था तुम्हें। तुम चार ही हो, अन्यथा प्रमाणित करो। प्रमाणित करो अपनी संख्या। मूर्ख बालक, हमें हमें मिथ्यावादी बुला रहे हो तुम। चलो तो हम अभी प्रमाणित करते हैं कि हम चार नहीं पांच हैं। उसके उपरांत ही तुम्हारा वध करेंगे हम। छोड़ो बच्चा, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो बच्चा।
लो, वरदान तो तुम पांचों को प्राप्त हुआ था ना, किंतु अब तो मात्र चार ही रह गए हैं, और तुम चार एक साथ आकर गुफा का निर्माण नहीं कर सकते। आपने देखा इंद्रदेव, कुमार ने कितनी कुशलता से इस असुर का संहार किया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि इसी प्रकार वो तारकासुर का भी सर्वनाश करेंगे। अभी तो केवल एक ही तुच्छ असुर का अंत किया है कुमार ने, अभी भी चार असुर शेष हैं, जो कि मुझे बहुत ही क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, जो अपने मृत मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हैं। जबकि कुमार के पास ना कोई शस्त्र और ना ही हमारी भांति कोई अनुभव। उचित कहा कुमार तुमने, हम चार गुफा का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम भी दिखाएंगे कि हम चार क्या कर सकते हैं। हम चार गुफा से भी भयंकर हो गए। तुम अपने बचाव के लिए क्या करोगे कुमार? पुत्र के पास और उन असुरों के आठ हाथों में आठ घातक आयुध। अब हम तुम पर अत्यंत घातक वार करेंगे कुमार, अंत तो तुम्हारा निश्चित है। कब तक बचोगे हमारे प्रहार से? कभी तो हमारे प्रहार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। मुझे ध्यान से देखकर वार करना होगा इन पर। बात हुआ कुमार, अब तुम्हारी मृत्यु से हम इस क्रीड़ा का अंत करेंगे। योद्धा कभी आयुरोहित नहीं होता पार्वती, क्योंकि उसकी बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कैलाश जाना है तो हम पहुंचाएंगे, किंतु जीवित नहीं, मृत। बस अब मैं कुमार को अकेले इन तुष्टों से युद्ध करते हुए नहीं देख सकता। मैं चाह रहा हूं उनकी रक्षा करने। रुकिए सूर्यदेव, रुकिए सूर्यदेव, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रणाम नारायण। महानायक है महादेव पुत्र, और एक महानायक को जन्म के पश्चात ही स्वयं को सिद्ध करना होता है।
ये कुमार की परीक्षा है। अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता उन्हें है जिन्हें कुमार की क्षमता पर विश्वास नहीं। एक साथ मुझे जकड़ने का प्रयास कितना कठिन हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम सभी एक बार निर्धारित क्यों नहीं कर लेते कि तुम में से कौन मुझे अपनी भुजाओं में जकड़कर मेरा वध करेगा। अरे इतना अनिश्चय जो है तुम्हारे मध्य में, कौन मुझे पकड़ेगा, कौन मेरा वध करेगा, ये निश्चित ही नहीं है। यदि तुम मुझे पकड़ने में सफल हो भी जाते हो तो तुम में से कौन मेरा वध करेगा ये ज्ञात भी है तुम्हें, क्योंकि मुझे अपना आहार तो तुम में से कोई एक ही बना सकता है ना, और वो अधिकार तो उसी का होता है जो सबसे अग्रणी हो और समूह का नायक हो। तो सर्वप्रथम ये निर्धारित कर लो कि तुम में से यहां नेतृत्व कौन कर रहा है। ए, मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम अपने शब्दों के ब्रह्मजाल में हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हो, किंतु इस बार तुम्हारी इस चाल से हम भटकने वाले नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, मैं फंसा कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अपना नेतृत्व निर्धारित कर लो जिससे भविष्य में कोई दुविधा ना हो और सब कुछ स्पष्ट रहे। इसमें निर्णय क्या लेना है, इस समूह का नायक मैं हूँ। मैं नायक हूँ। मैं हूं नायक। मैं हूं नायक। अच्छा, ठीक है, शांति। पूर्ण अनिश्चय की स्थिति है तुम्हारे मध्य में। अरे सर्वप्रथम ये निश्चित तो कर लो कि कौन है नायक और कौन मेरा वध करेगा। तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। मैं हूं नायक। एक मां सुर तो रहा नहीं, द्विधा सुर तो मैं हूं ना, तो नायक मैं हूं ना। क्यों, तुम क्यों हो गए हमारे नायक? हमारे समूह में सबसे बलशाली मैं हूं, इसलिए इस समूह का अग्रणी मैं ही रहूंगा। कैसा नरगल प्रलाप है ये, बुद्धि तो सर्वाधिक मेरी कुशाग्र है, तो नायक तो मैं ही रहूंगा ना। शांत हो जाओ तुम सभी, मैं नायक हूँ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। मेरी शक्ति के सामने तुम लोग नहीं टिक सकते, इसलिए तुम्हें मेरा नेतृत्व स्वीकार करना होगा। शक्तिशाली तुम नहीं मैं हूँ। अभी देखता हूँ कैसे हो तुम। यही चाहते थे ना तुम कि हम सब आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर डालें? किंतु ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि अभी मैं शेष हूं। मूर्ख बालक, मैं अकेला ही तुम्हें कुचलकर तुम्हारा वध करूंगा।
मेरा पुत्र। कहीं ससुर के वध करने के प्रयास में मेरे पुत्र पर ही कोई संकट तो नहीं आ गया? कहाँ गया वो? जो संकट बल से ना टले हो उसे युक्ति से टालने में ही समझदारी है। युद्ध की अग्नि को और भड़काया है मैंने, क्योंकि अब देवता वहाँ है जहाँ मैं उन्हें चाहता था, मेरे मायावी जान शौनकपुर में। कल की कहानी में देखिए कि कैसे कुमार कार्तिकेय को मिला उनका वाहन मयूर।